हम लोगों ने इस वाटरफॉल के टॉप तक जाना है, जो दूसरा हाइकिंग ट्रैक था उसको वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है क्योंकि बारिश इतनी है कि उसकी वजह से वो है भी तकरीबन 7 आवर्स उस पर लगेंगे, वो थोड़ा मुश्किल है भाई। अब ये हम लोग के जो भाई हैं ये बच्चे बन गए हैं, जब बारिश ज़्यादा है तब इसका कोई हल नहीं। और इसके अलावा क्या आप पहनो और इनके साथ चलो, इट लुक्स मोर नाइस। ये देखिए पीछे से जो आ रहा है ये पिछली वाटरफॉल का पानी आ रहा है और आगे ये इकट्ठा होता जा रहा है और यहाँ से एक नई वाटरफॉल जो ऊपर से आ रही है और यही नॉर्वे की जो है ना खूबसूरत जो है फ्यॉल्स है। और इसके साथ जो ये हाइकिंग का ट्रैक है ये भी बड़ा खूबसूरत है, इतना जो मुश्किल भी आएंगे और आप आराम से इस पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। बारिश भी रुक गई है, थोड़ा सा सूरज जो है वो नुमाया हो गया है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं जारी बात है हाइट बढ़ती जा रही है और लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे आएँ तो यहाँ से नीचे उतरने की कोशिश बिल्कुल ना करें क्योंकि ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं इन पर काई भी जमी हुई है और ये काफ़ी स्लिपरी है। और अगर आप यहाँ पे आए हाइकिंग प्लेस के इरादे से तो आप लाजमी तौर पे सेफ्टी शूज़ पहन के आए, सेफ्टी शूज़ मस्ट हैं क्योंकि अगर आप सेफ्टी शूज़ नहीं पहने हैं तो कोशिश करें कि आप इस तेल का ऊपर की तरफ ना जाए क्योंकि कहीं भी स्लिपरी हो सकती है, यू कैन फॉल और कोई एक्सीडेंट या इंजरी हो सकती है। मेन जो पॉइंट है जहाँ से आप ये डिसाइड करते हो कि आपने किस साइड जाना है कि जो ब्रिटिश फोर्सन है उसके आप जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है यानी टॉप आपने उस साइड पे जाना है या फिर आपने ब्रिटिश फोर्सन का जो बॉटम है जहाँ पे आप शार नीचे गिर रही है वहाँ पे जाना है। तो अगर आप ये देखें तो ब्रिटिश फोर्सन ये जो साइड है दिस साइड ये जो है ये नीचे की तरफ जा रही है और ये बॉटम मेथड है वो स्पेलिंग उन्होंने ऐसे लिखे हैं या फिर ऐसे और ऊपर 24 ऑफ वो ये रास्ता जाएगा
24 अप की तरफ ये रास्ता जा रहा है और जो कि 1.5 किलोमीटर है, और विटिफोसन डाउन की तरफ ये रास्ता जा रहा है जो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ऊपर है, लेकिन ये बहुत आगे जाके ऊपर नीचे काफ़ी है, लेकिन ये जाएगा नीचे। और इसके अलावा यल्ले की तरफ के नीचे जो जा रहा है ट्रैक, ये यल्ले की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ जी भाई, तो जो सरप्राइज़ था वो ये था कि वो जो मैं कह रहा था कि ये आखिरी वाटरफॉल है, वो आखिरी वाटरफॉल नहीं थी, बल्कि एक्चुअल में हाइकिंग वहाँ से स्टार्ट हुई है। और जो टफेस्ट है वो अभी है, और अभी भी जो है हम जो आखिरी बड़ी वाटरफॉल है उसकी टॉप की तरफ नहीं बल्कि बॉटम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और अगर टॉप की तरफ जाएंगे तो वो तकरीबन 1.5 घंटा उस पर और जो है वो लगेगा। तो ये बॉटम की साइड पर तकरीबन 1 किलोमीटर है, और टॉप की साइड पे अगर टॉप की तरफ जाएं तो 1.5-1.5 किलोमीटर होगा, लेकिन वो चूँकि बहुत ज़्यादा स्टीप है तो उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, और चूँकि तकरीबन शाम हो ही रही है, तकरीबन 7 बज रहे हैं। सो इसलिए हमने फाइनली डिसाइड किया कि जो लास्ट पॉइंट है और जो लास्ट बड़ी वाटरफॉल है उसके बॉटम की तरफ जो जाए, और ये तकरीबन आखिरी हिस्सा नहीं पहुँचेंगे, लेकिन ये जो है एक तो इस डिफ़िकल्ट, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी है, सो वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। और अगर हम आ रहे हैं तो बेहतर है कि इतना आगे तक ना आए, हाँ बिल्कुल, वो या उस तरफ से जाएं या फिर ये जो जड़ें बनी हुई हैं इन पे पाँव रख के जाएं, क्योंकि वो जो है वो रास्ता नहीं है, वो ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। तकरीबन हम आप जंगल के दरमियान में पहुँचेंगे, भाई एहतियात के साथ, बहुत ज़्यादा स्लिपरी आगे रास्ता है, जो आखिरी हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। यस स्टेनलेस, अगर आप थोड़ा इस वाले से फिजिकली स्ट्रांग नहीं समझ सकते हैं आपको, तो बेहतर है इस हिस्से तक ना आए। और जो आखिरी मैंने आपको बताया था कि वाटरफॉल है वहाँ तक की, ओके हाय हाय हाय, या so we should go back and then yeah, air ambulance. If there, so that we can go over there. Yes. We can try. Yeah. Otherwise, this one is fine for us, I guess. Like this? No. A little more. Maybe 100, 200 meters down. More. Yeah. A little more. You will see the water behind when they're going. Mm-hmm. See the water on the right side. Up here. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thanks for the guidance. आजे आजे, हिम्मत पकड़े, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। देखे प्रदीप भाई भी जो है तकरीबन आ गए भाई। अब असल में यही मसला है कि जब प्रॉपर वाटरफॉल वो हाइकिंग स्टार्ट हुई है ना, तो फिर थोड़ा फील होना शुरू हुआ है कि भाई इतना आसान ट्रैक नहीं है, इट्स नॉट ईजी वन, मॉडरेट ट्रैक है वो, ऐसा सिर्फ जो है अगर आप वो फैमिली वगैरह के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ, तो फिर आप वहाँ तक आएँ, तो अगर आप जो है वो प्रॉपर हाइकिंग करने के लिए आ रहे हैं तो फिर
बच्चों को साथ वहाँ यहाँ ना लेके आए, बच्चों के लिए ट्रैक बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो लोग अपने आप को फिज़िकली इतना स्ट्रांग नहीं समझते उनको भी इधर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और बहुत डेंजरस है। ज़रा सा आपका जो है वो स्टेप गलत जगह पे पड़ा और आपने आपकी बॉडी जो है वो डिसबैलेंस हुई, सो यू विल डायरेक्टली गो। नहीं नहीं भाई भाई वो गलत साइड है, नहीं रस्सा पकड़ के नीचे जाना है, क्या होगा? अच्छा हाँ, रस्से के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल ही आराम से आ जाए भाई। भाई आ जाओ अब, बिल्कुल ये सामने नजर आ रहा है, इतने दूर आए पर भाई। बिल्कुल एंड पे आके तो हिम्मत हारने से नहीं, आ जाए आप, ये समझे आप एक बार जाए तो दोबारा जिंदगी इधर से आए। हेलो, बहुत डेंजरस है ये भाई, ये रस्से को पकड़ के आए, ये आसान है, आप साथ साथ रहे। ये जो हाइकिंग है ये बड़ी इफेक्टिव रहेगी। नहीं नहीं बिल्कुल साथ आए, वो वहाँ तक स्लिपरी नहीं है, पत्थर जो है स्लिपरी नहीं है, आ जाए भाई, पत्थर स्लिपरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आ जाए आराम से रख के आ जाए, क्योंकि वो स्लिपरी। वो बिल्कुल एंड पे हम तकरीबन पहुँचे हुए हैं भाई, प्रदीप भाई जो है वो हिम्मत हार गए। अच्छा फिर यहाँ ही वेट करें और हम जो है वो 5-10 मिनट में ऊपर आते हैं, तो फिर क्या कहते हैं वेट करेंगे? नहीं वो वहाँ पे वेट करेंगे, नीचे नहीं आ रहे, हम चक्कर लगा के आते हैं, ये करीब तो है, ये जो डाउन है ना इस तक आते हैं फिर आगे। क्या हुआ प्रदीप भाई ने आगे जाने लेकिन भाई इसके साथ थोड़ा चलना है ना, नहीं वो क्रॉस करना है पुल में रखा ले, नहीं लेकिन इस ट्रैक पे आप नॉर्मल शूज के साथ चलने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर चलोगे तो आपने अपनी अधिक पसली जो है वो एक करवानी है फिर तक। Thank you.
Hi, where is the main hub? How much is the way? 10 minutes. 15 okay. minutes? So we need to go and cross that bridge as well? No, we don't need to cross it. We just need... On the right side. Okay, so, okay. Yeah. So that's the main, yeah. Thank you. Not so long. Hmm? Yeah. Not so long, 10 minutes. Okay, 10 minutes. Yeah, then it's okay. Yeah, thanks. Have fun. मेरे बीबी 10 मिनट का रास्ता रहता है तकरीबन लेकिन अगर आप ये देखें तो जितने लोग हैं ये आप यंग लड़की हैं और जो कि इतनी लगता भी नहीं कि स्ट्रांग है लेकिन जो मेन चीज़ इन लोगों में है वो है डिटर्मिनेशन ये लोग हौसला नहीं हारते जो काम एक बार शुरू कर देते हैं फिर उस काम पे आखिर तक कोशिश करते हैं और यही इनके जो है ना वो तरक्की का राज है आप जो फॉलिंग स्टोन यहाँ से नीचे गिरते पत्थर जो है वो नीचे गिरते हैं ऊपर वाली साइड से ये भी आपको कोई ना कोई सबक ही देखे जाता है और सबक बेसिकली यही है कि हाँ अब सीधा ही इतना मुश्किल नहीं था लेकिन बस वही है कि नहीं वो अब दूर रह गया यार लेकिन अब ये है कि वो बैठ वहाँ पे वही रहे आगे पीछे ना हो क्योंकि जंगल है और शाम हो रही है प्रदीप के वाले से हम बात कर रहे हैं कि वो पीछे ही रह गए और हाँ वो पढ़े लेकिन मेरे 10 मिनट ही लगेंगे अब लेकिन चलते जाते हैं ताकि कोई इतना तो मैं आपको यही बता रहा था इसमें कि अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो वो आपको कोई ना कोई ऐसा हिंट या लेसन देता है या देती है कि जो आपको आपके लिए बहुत सी चीज़ें आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देती है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं जिससे आप अपने आने वाली स्ट्रेटजी बना सकते हैं और इस तरह की जो ट्रेल है जो कि मॉडरेट ट्रेल है बहरहाल हम इसको हार्ड नहीं कह सकते क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेल्स मौजूद हैं तो वो लोग करते नहीं हैं लेकिन ये भी इतनी ईजी ट्रेल नहीं है तो ये भी ये चीज़ ज़रूर आपको अगर आप इसके एंड तक पहुँचते हैं तो रियलाइज़ कराएगी कि वंस यू स्टार्टेड समथिंग सो बी स्टिक विद इट एंड हैव फेथ ऑन योर गॉड और चलते चले जाएं Thank you.
आप ऊपर देख सकते हैं बीटी कौशन की वाटरफॉल कुदरती तौर पे इसका डायरेक्ट जो है वो फ्री फ्लो ड्रॉप है पानी का ऊपर से, जो कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन तकरीबन 275 मीटर के आसपास है। और नीचे जहाँ गिर रहा है वहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इसका प्रेशर कितना है। तो बाकी अब ये मेरी गोप्रो की बैटरी भी ख़त्म हो रही है, एक दोस्त ही हम लोग का रास्ते में रुका हुआ है, हमें जल्दी से वापस जाना है, लेकिन यहाँ से जाते जाते पानी जो है वो पी के जाएंगे ताकि ये समझ रहे कि घाट का पानी पिया हुआ है, तो अब हमने नार्वे के घाट का भी पानी